सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 18वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। नाकाम हुई पाकिस्तान की साजिश, सेना ने एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को किया ढेर। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एबीआईएल ग्रुप के चेयरमैन अविनाश भोसले को किया गिरफ्तार। अविनाश भोसले को माना जाता है शरद पवार के करीब। राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना नाराज, सीएम को लिखा मुझे इस जलाजल भरे पद से मुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई परीक्षा नियंत्रक को निर्देश, अंकों में अंतर को लेकर छात्रों की शिकायतों पर फिर करें विचार। आतंकी यासीन मलिक को जेल भेजने में जैक, जान और अल्फाज की अहम भूमिका, ये तीनों एनआईए के हैं विशेष गवाह। वीजा घोटाले मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम, विशेष अदालत ने दिया था आदेश। पूजा स्थल पर कार्रवाई का करे विरोध, देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच कूदा इस्लामिक संगठन पीएफआई, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील। मथुरा में मंदिर तोड़कर मूर्तियां और बेशकीमती सामान आगरा ले गए थे औरंगजेब, सिविल जज कोर्ट में दायर की गई एक याचिका। यस बैंक डीएचएफएल घोटाला मामले में एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले की गिरफ्तारी से पहले रेडियम डेवलपर के संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया गया। हिंदी साहित्यकार गीतांजलि श्री ने रचा इतिहास, पहली बार हिंदी उपन्यास टॉप्स ऑफ सैंड को मिला बुकर पुरस्कार। कर्नाटक के बंगलुरु बड़ा है जॉब विवाद, कॉलेज छात्राओं ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस दंपति का ट्रांसफर, सोशल मीडिया पर लोग बताने लगे लद्दाख और अरुणाचल की दूरी। बाढ़ में अब तक 30 लोगों की मौत, केंद्र सरकार ने जारी की 324 करोड़ की सहायता राशि। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारे दोनों आतंकी ढेर, पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाने का किया दावा। हत्याकांड से सनसनी सर्राफा कारोबारी की पत्नी और बेटे की हत्या। अलीगढ़ में नगर निगम के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, नगर निगम का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। हरदोई में शराब के नशे में धुत मजदूरों से मारपीट, मारपीट में एक मजदूर की हुई मौत। रायबरेली में
प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। रायबरेली में शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, दो भाइयों की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। रोजगार योजना के लाभार्थियों का सम्मान, मंत्री ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने किया सम्मानित। संभल में छेड़छाड़ के विरोध में हुई फायरिंग, सीओ ने किया घटना का पर्दाफाश। नगर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोर की 3 बाइक बरामद। मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ही कचरा जलाते 9 लोगों को पकड़। बाबी मस्जिद में जुमे की नमाज की भीड़ को लेकर कवायद, पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता। उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में 5 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना, झमाझम मानसून के लिए अभी करना होगा इंतजार। लखनऊ में पकड़ी बड़ी अनियमितता, घरेलू बिजली से कार्यालय में चल रहे थे 30 एसी। मेरठ में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट का निर्माण पूरा होने से पड़ोसी जिलों में किसानों को भी मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भेज रहे, जाटों में भाजपा की पकड़ को कमजोर करने की रणनीति। भंडवारा में तराशी गई शिला को सीएम योगी गर्भगृह में करेंगे प्रतिष्ठित, लगाए जाएंगे नक्काशीदार गुलाबी पत्थर। होगा वो राम मंदिर का गर्भगृह, बैठ सकेंगे 25,000 श्रद्धालु। लखनऊ में अब मंकी पॉक्स वायरस को लेकर अलर्ट जारी। सत्य को साक्षी की आवश्यकता नहीं होती, इसका साक्षात प्रमाण है ज्ञानवापी परिसर। अलीगढ़ में सराफा कारोबारी की पत्नी और 8 साल के बेटे की हत्या। शामली में चूहों ने की हजारों की चोरी, दुकान मालिक ने स्टाफ को नौकरी से निकाला। छियासी एकड़ भूमि वाला वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोग करने की तैयारी में यूपीएमआरसी, लखनऊ में कंसल्टेंसी का होगा चयन। रायबरेली में हिस्ट्री शीटर की गोली लगने से मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। बागपत में मां और 2 बेटियों की मौत के मामले में दरोगा लाइन हाजिर, एम्बुलेंस में 4 घंटे रहे रखरखे शव। सुरक्षित पर्यावरण के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने बढ़ाया कदम, बच्चों के साथ किया पौधरोपण।
लाल सिंह यादव ने विधानसभा में की सीएम योगी की तारीफ, कहा ईमानदार और मेहनती, फिर अखिलेश पर साधा निशान। अयोध्या मथुरा काशी दिखाएंगे धार्मिक संस्कृति, राष्ट्रवाद की झांकी, योगी सरकार के बजट में खास इंतजाम। सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का भी रखा ख्याल, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए भी बजट। दस सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 34 पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी खारिज। वाराणसी में दो घंटे की सुनवाई में 12 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलील। बिरूल से बनी ईंटों से उत्तराखंड में रोशन होंगे घर, साल भर हो सकेंगे निर्बाध आपूर्ति। चारधाम यात्रा के लिए स्टॉल फुल, बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालु, शुक्रवार को भी नहीं खुला पंजीकरण। यमुनोत्री हाईवे पर हादसा, महाराष्ट्र के सभी घायल यात्री देहरादून रेफर, पोस्टमार्टम के लिए रखे गए 3 मृतकों। में विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस, कार्यक्रम जल्द होगा तय। चंपावत विस्ट क्षेत्र में रहेगा अवकाश, मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र का होगा उपयोग। राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा पैनल, त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 8 लोगों के नाम। ऋषिकेश में राफ्टिंग, पर्यटकों की सबसे पसंदीदा गतिविधि, 800 से 1500 में ले सकते हैं लहरों का रोमांच। रोमांच महसूस करने के लिए देश दुनिया में पहुंच रहे पर्यटक, 8 माह में 3 लाख ने उठाया राफ्टिंग का। शॉर्ट सर्किट से खतीमा के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, एक के बाद एक फटते रहे सिलेंडर। पर्वतारोहियों ने भागीरथी 2 का किया सफल आरोहण, 24 अप्रैल को गंगोत्री धाम से हुआ था रवाना। चेरी में वाहन दुर्घटना, सहायक परिवहन आयुक्त करेगी जांच, यात्री बढ़ने पर मुस्के स्कूल और सिटी बसों का उपयोग करने के लिए। छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 2 जुड़वा बच्चों की मौत, घर में कोहराम, 3 दिन से चल रहा था उपचार। कुमाऊं विवि का दीक्षा समारोह शुरू, देखे तस्वीर फेसबुक पर हो रहा लाइव। सड़क सुरक्षा समिति के रोड ऑडिट के सामने आए बात, अनधिकृत होर्डिंग बन रहे वाहन चालकों के लिए। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा परिणाम जारी, 3380 अभ्यर्थी सफल हुए, कट ऑफ भी आएगी, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। हमेशा रहेगा दुशांबे में, बोले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में घर में जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत, 2 लापता। शहबाज शरीफ सरकार के करीब 90 लाख विदेशी पाकिस्तानियों को मतदान के अधिकार से किया वंचित, संसद में पेश हुआ विधेयक। अफगानिस्तान आतंकी हमले की निंदा, धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से पश्चिमी देशों का ही नुकसान, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ महंगा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत की तारीफ की, शहबाज शरीफ सरकार पर साधा निशाना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका नहीं चाहता है दूसरा शीत युद्ध, चीन को दी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करने की नसीहत। पाकिस्तानी फौज ताजा हमले में पुलिसकर्मी की मौत, अब तक 223 सुरक्षा बलों की। आरबीआई ने नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स के लिए नेटवर्थ घटाया, अब नहीं होगी 100 करोड़ की जरूरत। जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 37% बढ़ी, कंपनी ने की 250 के बंपर लाभांश की घोषणा। जून से मोटर बीमा के मद में वाहन मालिकों की जेब होगी ढीली। ई कॉमर्स साइट पर फर्जी रिव्यू वालों की अब खैर नहीं, सरकार करेगी निगरानी नजर। कर्मचारियों को घर बैठे मिलेगी 35 लाख रुपए, एसबीआई ने शुरू की खास सर्विस, मिनटों में खाते में गिरेगा पैसा। शेयर बाजार में हरियाली सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 54,000 के करीब, निफ्टी 1600 के पार, एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। गाड़ी चलाना होगा महंगा, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा, वंचित के हिसाब से होगा वसूली। तेल हो गया सस्ता, सरसों तेल खरीदने से पहले चेक कर ले 1 लीटर का भाव, आयात शुल्क में कमी नहीं किए जाने से मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट देखने को मिली है। कोल इंडिया को 4th तिमाही में हुआ बंपर फायदा, कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का किया ऐलान। नया सिम कार्ड, अब ग्राहक नए सिम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस दिग्गज गेंदबाज हर्षल पटेल ने कहा डेट ओवर और मुश्किल परिस्थितियों में बॉल करना पसंद। अश्विन टीम के लिए परेशानी।
वार्नर ने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स को बताया आईपीएल में क्राउड की फेवरेट दिल्ली कैपिटल्स शामिल। सीएमबी प्रेसिडेंट ने रिद्धिमा साहा से की बंगाल रणजी टीम के शामिल होने की रिक्वेस्ट, खिलाड़ी ने दिया जवाब। चामिंडावास बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा ब्रेक के बाद खतरनाक होकर लौटेंगे। ट्रेल ब्लेजर्स ने वेलो सिटी के 16 रन से हराया मेघना और रोडी ग्रेश की शानदार पारी हार कर भी फाइनल में पहुंची वेलो सिटी। शतक का किंग है आरसीबी, सीएसके पांचवें नंबर पर तो मुंबई इंडियंस टॉप फाइव से बाहर। एक मैच से ही हुए रजत पाटीदार की चांदी, गेंदबाज के तौर पर शुरू किया था अपना करियर। मांजरेकर ने कहा केएल राहुल को लंबे समय के बजाय तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए। अमेरिकन स्टार रे लियोटा का 67 साल की उम्र में निधन, मनोज बाजपेयी ने दी श्रद्धांजलि। फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे डोमिनिकन रिपब्लिक। शार्क टैंक इंडिया के जज अश्विन ग्रोवर, फैंस ने रणवीर सिंह के पहनावे से की थी। खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आएंगी रुबीना दिलाइक, नई चुनौतियों के लिए है तैयार, कहा हो रही है घबराहट। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने वेधा लुक में मचाए हंगामा, लोगों ने की हॉलीवुड के क्रिस से तुलना। करण जौहर की पार्टी में शाहरुख खान ने मारी सीक्रेट एंट्री, कोई मिल गया गाने पर किया जमकर डांस। श्वेता बच्चन का अजीबोगरीब लुक देखकर यूजर्स का चुकराया सिर, किसी ने कहा राधे माँ तो किसी ने बताया फीमेल सेंटा। आयुष्मान खुराना को याद आया आमिर खान का लिया हुआ इंटरव्यू, कहा साउथ फिल्मों को लेकर दी थी बड़ी सीख। शर्मा शो ने टीवी को कहा अलविदा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है शो की वापसी। वन इंडिया के दावे पर सवाल उठाते आयुष्मान खुराना के अनेक, उत्तर पूर्व के बहाने दिल्ली पर चोट। का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी, लीड रोल में नजर आ सकते हैं एक्टर ऋतिक रोशन। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।